हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मीनू है और जेवेर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे जे बता रहे कि इनकी मैरिज को 18 साल हो गए। इनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है और जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे। इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया, बहुत सारा इलाज भी कराया और जे सिस्टर बता रहे कि जे मेडिसिन भी खा रहे थे अपनी प्रेगनेंसी के लिए, पर जे बता रहे कि कोई भी रिजल्ट नहीं था रहा, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि इनकी जो बेबी ट्यूब्स है वो बंद है। पहले इन्होंने बताया कि जैसे रिपोर्ट्स कराई, हम इनकी फर्स्ट रिपोर्ट्स को देखेंगे और इनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है और जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि इनकी जो बेबी ट्यूब्स है वो बंद है, जिसके कारण इनकी प्रेगनेंसी नहीं थी हो रही और ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। और जैसे जी सिस्टर ने फिर से काफ़ी मेडिसिन खाई, और ये बहुत सारा ट्रीटमेंट कराते रहे और फिर डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेट होगा। और जैसे इन्होंने ऑपरेट भी कराया और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने ऑपरेट कराया और उसके बाद फिर डॉक्टरों ने इनका टेस्ट किया, रिपोर्ट की, और अभी हम उस रिपोर्ट्स को भी देखेंगे। और ये इनकी सेकेंड रिपोर्ट है और जो बता रहे कि ऑपरेट कराने के बाद भी इनकी जो बेबी ट्यूब्स थी वो बंद थी, वो फिर नहीं खुली। उसके बाद फिर इनका मन बहुत परेशान हो गया और जी काफ़ी परेशान हो गए और जी बता रहे कि उसके बाद जी मेडिसिन ही खाते रहे प्रेगनेंसी के लिए और जिसके कारण जी परेशान थे। और फिर किसी ने इनको प्रभु की गुड न्यूज़ दी और जैसे जी यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आ रहे थे और जी विश्वास में बने रहे और जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने काफ़ी बार प्रभु के दास के साथ पर्सनल मीटिंग की और जिस संडे थर्सडे हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और जो विश्वास में बने थे कि परमेश्वर सच में आप मेरे जो डॉक्टर नहीं कर सकते मेरे लिए आप कर सकते हो और आपने मेरी ट्यूब्स को खोल चुके हो और सच में आप मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर चुके हो। और जो विश्वास में बने रहे, धन्यवाद करते रहे। और जो बता रहे कि जैसे जो सिस्टर 15 मई को फुल ले हैंड मीटिंग थी और जैसे इनके लिए ले हैंड हुई, अभी हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। चल इसकी दोनों ट्यूब से आउट आउट, चल पूरी तरह से मुझ से इसके गर्भपात को तुमने जो चकरा आज जो अधिकार से जो अधिकार खुदा ने मुझे दिया, मैं तेरी शक्ति को शैतान इसके जीवन में से कैंसिल करता हूं। आउट आउट, चल पूरी तरह से इसके जीवन से, इसके जिंदगी से आउट 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 आउट। और जैसे इनके लिए 15 मई को ले एंड हुई और जो धन्यवाद करते रहे, विश्वास करते रहे कि परमेश्वर आप मेरे लिए कर चुके हो, मेरी जो बेबी ट्यूब्स है वो खुल चुके हैं और आप मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर चुके हो, जो रिसीव करते रहे। उसके बाद भी जे इन्होंने फिर पर्सनल मीटिंग भी की और जैसे अभी इन्होंने अपना टेस्ट करवाया है और अभी इनकी जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल आई है। जो इनकी ट्यूब्स बंद थी वो परमेश्वर ने खोल दी है और आज विश्वास करते कि सच में जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते थे, जो इन्होंने दो बार, एक बार इनका ऑपरेट भी हो गया और फिर भी ट्यूब्स खुली नहीं, पर आज परमेश्वर ने इनके लिए इस प्रॉब्लम से इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया है। इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते और जो इनकी नॉर्मल रिपोर्ट है और इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे इसी अपने हाथों को उठाते हुए। ये तू सुन दे दुआ, सच्चे दिल वाले आदी, ये तू सुन दे दुआ, सच्चे दिल वाले आदी, ये तू सुन दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, रो रो के कर दे दुआ, सुन दे दुआ। आमीन, हालेलुया। आज देखो खुदावंद ने कितना बड़ा काम किया। मैं जानता हूं कि इसके मन के अंदर कितनी खुशी होगी इस चीज की। बोलोगे ये कितनी इस चीज से खुश, जो काम ये कितने साल हो गए थे ये बीबी ट्यूब आपकी बंद थी। ये माइक
भाई करो ऑन, क्या करते हो, पूरा स्विच ऑन करो। हाँ जय मसीह। कितने साल हो गए थे? 18 साल हो गए। और जो आपकी ट्यूब थी वो कितना टाइम हो गया बंद हुई को? आपको 2015 में पता चला था कि, पहले तो आप वैसे ही सोचते होंगे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है ना, पर 2015 में पता चला कि मेरी बेबी ट्यूब्स बंद है। फिर उसके आपने ऑपरेट करवाया 2017 में आपने ऑपरेट करवाया, और उसके बाद फिर दूसरी बार फिर करवाया? नहीं ऑपरेट नहीं कराया, टेस्ट कराया ही, ब्लॉक ही। अच्छा ऑपरेट करवाया, फिर दूसरी बार टेस्ट करवाया और दूसरी बार भी ब्लॉक थी। ऑपरेशन करवाने के बाद भी वो बेबी ट्यूब्स ब्लॉक थी, वो खुली नहीं। फिर आपने फिर क्या सोचा फिर उसके लिए? पापा ही, फिर मैं दवाई खानी बंद कर दी, मैं जो होएगा देखा जाएगा। फिर आपने, ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर आपने बंद कर दी मेडिसिन खाना, बंद कर दी। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए आपको कितना टाइम हो गया? पापा ये साल हो गया। साल हो गया। कहां से शुरू किया था? यहीं से आपने शुरू किया था, और एक साल हो गया आप यहीं से अपने शुरू किया, अपने परमेश्वर के सत्य को समझा, सच्चाई को समझा, यीशु मसीह कौन है, वो धर्म का नहीं है, हाँ ये सब चीजें आपने समझी, और आप विश्वास में बने रहे और धन्यवाद देते रहे। इतने एक साल के पूरे दरमियान में कभी ऐसा हुआ कि आपके मन ने आपको दोष दिया हो, जहाँ ऐसा कभी मन में आया कि मैं वहां पर जाके देखूं, जहां कुछ ऐसे करके देखूं, कभी हुआ? नहीं पापा ही, मेनू ये मेरे बाकी जेड़े रोग ठीक होए हैं, मेनू ये भी जरूर मिलेगा, इतना ही मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ प्लस आपके कुछ और भी रोग थे जिससे परमेश्वर ने आपको अच्छा किया, बहुत बार अच्छा किया, हाँ? तो उन कामों से आप ये विश्वास करते थे कि अगर ये काम खुदावंद ने मेरे अच्छे किए हैं तो ये भी करेगा। आप विश्वास में बने रहे और धन्यवाद देते रहे, और आज खुदावंद ने बड़ा काम किया। आपने विश्वास के साथ फॉर्म फिल करवाया, उस प्रार्थना को, उस ले हैंड को जो खुदावंद ने मेरे द्वारा आपको चंगा किया, आप धन्यवाद देते रहे, और दोबारा आपने विश्वास से टेस्ट करवाए और रिपोर्ट क्या आई? नॉर्मल आई। ये बड़ा काम है, यस आमेन। मैंने कहा ये छोटा काम नहीं है, आमेन। और मैं जानता हूं कि अगर ये खुदावंद ने इतना बड़ा काम कर दिया, बोलो क्या है, क्योंकि वो शुरू से 18 साल से, जबकि जब से इनकी शादी हुई थी वो ट्यूब्स बंद थी, नहीं तो पहले ये बेबी कंसीव कर पाते। पर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पता नहीं, पहले तो वैसे सांस सूखते रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर 2015 में इन्हें पता चला, जब चेक करवाया तो ट्यूब बंद है बेबी ट्यूब्स। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? और आज खुदावंद ने देखो ये कितना बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि जिस चीज की घटी थी मैं सांस करता हूं वो दे चुका है, ऐसा हो चुका है। खुदावंद ने जो तुझे देना है उसका वो नाम भी दे चुका मुझे, यस आमीन। जो आज खुदा ने इसे देनी है ना, उसका नाम भी मुझे खुदा दे चुका है। जब मैं सुबह प्रेयर कर रहा था तो उसने मुझे नाम भी दे दिया इसके बच्चे का, और उसका नाम मुनीर होगा, मुनीर। यस आमीन आमीन आमीन। और ये होगा, यस आमीन। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो कौन नहीं कर सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल को, असंभव काम को संभव कौन करता है? परमेश्वर। कौन करता है? पर कब करता है? जब हम अपना मन, अपना भरोसा, अपना श्वास उस पर टिकाते, उसे समझते। अगर समझा ना होता तो ये एक साल टिकते ना, इन्हें पूरा एक साल हो गया खुदावंद के साथ चलते। खुदावंद ने और भी बहुत सारे कामों को किया, विश्वास करते रहे कि हाँ अगर मेरे जीवन में इतने काम खुदा ने किए तो ये भी करेगा, और आज वो भी हो गया है। Yes, amen. बहुत जल्द हम इनकी बेबी ब्लेसिंग की भी
गवाही के साथ, पूरे जश्न के साथ। क्यों जी, जश्न के साथ ही आओगे ना? हाँ जी पापा जी। हाँ, पूरे ढोल डाल बाजे वाले लेके आना। हाँ पापा, मैं विश्वास में बोल जल्दी गवाही दूंगा। हाँ आमीन, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। यस आमीन। और जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है उनको भी खुदावंद दे चुका है इस गवाही से। रिसीव करो। मैंने कहा जितने लोगों के पास बच्चे की आशीष नहीं है, जो ऑनलाइन है, जो यहाँ पे, खुदावंद उन्हें भी दे चुका है। आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। जो कम की तो भी नहीं हुंदा, ओ यीशु नाम च हो जावे। जो कम की तो भी नहीं हुंदा, ओ यीशु नाम च हो जावे। जो कम की तो भी नहीं हुंदा, ओ यीशु नाम च हो जावे। आमीन।